वसई में पुलिस द्वारा रखा गया रक्तदान शिविर, 175 पुलिस कर्मियों ने किया रक्तदान। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, सांसद विधायक और जिला अध्यक्ष हुए शिंदे गुट में शामिल। महाराष्ट्र में कोरोना की प्रिकॉशनरी डोज के फ्री में लगाए जाने के पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों ने एहतियाती खुराक ली। अभियान के पहले ही दिन 1,03,000 से अधिक लोगों ने एहतियाती खुराक ली। 24 हफ्ते की गर्भवती अविवाहिता महिला को दिल्ली हाईकोर्ट ने अबॉर्शन की अनुमति देने से किया इनकार। आधार कार्ड यूजर्स को मिलेगी अब तक की सबसे बड़ी सुविधा, UIDAI ने किया इसरो से समझौता। नवी मुंबई के क्राइम ब्रांच की टीम ने इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का किया भंडाफोड़, 362 करोड़ की हेरोइन जब्त कर की बड़ी कार्रवाई। सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलेट ट्रेन को दिया ग्रीन सिग्नल, फास्ट ट्रैक मोड में होगा प्रोजेक्ट पर काम। नालासोपारा में देह व्यापार का भंडाफोड़, नाबालिग सहित 2 नाइजीरियाई को बचाया गया। वसई कोर्ट ने वसई नायब तहसीलदार व मंडल अधिकारी संजय सोनावड़े को दी जमानत। सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर से बदला औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम। महाराष्ट्र कैबिनेट ने आज औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का किया फैसला। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 चोरों को विरार पुलिस ने किया गिरफ्तार।